नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एस्ट्रो तक एक बहुत ही खास चैनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम ओम की बात करेंगे। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं। ओम का उच्चारण करने से जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। तो हमने कितनी बार ओम बोलना है, किस तरह से ओम बोलना है और क्या क्या खास करना है, जानेंगे आज राशि अनुसार। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो व्यापारिक संस्थान को खोलते वक्त 3 बार ओम बोले आप। तो जब भी आप व्यापारिक संस्थान को खोल रहे हैं, उस समय ओम बोलने से आपका व्यापार बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा और व्यापार में दिक्कतें जो हैं, परेशानियां जो हैं, वो खत्म होंगी और इससे क्रोध भी शांत होगा। मंत्र है आपके लिए ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करें। मूंगे की माला के साथ में इस मंत्र का जाप करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। ओम का उच्चारण अंगूठे का प्रयोग करते हुए करें, इससे आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और अब बात करेंगे वृष राशि। विद्यार्थी स्कूल में जाते वक्त 5 बार ओम जरूर बोलें। ऐसा करके आप अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। तो वृष राशि के लोग यदि 5 बार ओम बोलते हैं तो ऐसा करने से आपका धन बढ़ेगा, विचार आपके शुद्ध होंगे और पढ़ाई अच्छी होगी। मंत्र है आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आपने क्रिस्टल की माला के साथ में करना है। ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। अंगूठा आकाश की तरफ रखें। ऐसा करके आप सही स्थिति में पूजा आराधना कर सकते हैं। ओम संगीत की सरा सुरीले स्वर में कहने से आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, तो इसलिए संगीत की तरह सुरीले स्वर में आप ओम कहा करें। बात करेंगे मिथुन राशि की। रास्ते में मंदिर या गुरुद्वारा मिले तो 6 बार ओम जरूर बोलें। धन की प्राप्ति होगी और घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और त्रिमुलिन की माला के साथ में यदि यह जाप करते हैं तो ज्यादा लाभ होगा। अंगूठे को मध्यमा उंगली से मिलाकर आप यदि ये जाप करते हैं तो लाभ जरूर होगा। ओम के साथ सोहम जरूर कहें। ऐसा करने से आपकी पूजा सफल होगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि। यात्रा शुरू करते वक्त 2 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। आपको 2 बार ही क्यों करना है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक होता है और आपकी राशि का स्वामी भी चंद्रमा है, तो इसलिए जब भी कभी यात्रा शुरू करें तो 2 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। यात्रा सफल होगी, व्यापार की भी वृद्धि होगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपने करना है रुद्राक्ष की माला के साथ में। ऐसा करके बहुत जल्दी लाभ होगा। तो अंगूठा तर्जनी उंगली के साथ में रखें और ओम का उच्चारण करें। ओम का स्वर शिवाय से छोटा रखें तो लाभ आपको ज्यादा होगा। बात करेंगे सिंह राशि की। हर रोज सुबह उठकर 1 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मान और सम्मान भी बढ़ता रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है तुलसी की माला के साथ में। यदि यह जाप करते हैं तो लाभ जरूर होगा। तो अंगूठा आकाश की तरफ रखें और आकाश की तरफ रख के आपने ओम का उच्चारण करना है। बात करेंगे कन्या राशि की। रास्ते में मंदिर गुरुद्वारा मिले तो 6 बार ओम का उच्चारण आप जरूर करें। इससे धन की प्राप्ति होगी और घर की सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। त्रिमुलिन की माला के साथ में यदि यह जाप करते हैं तो लाभ जरूर होगा। अंगूठे को मध्य उंगली से मिलाएं और ओम का उच्चारण करें। ओम के साथ सोहम जरूर कहें आप। बात करेंगे तुला राशि की। तो विद्यार्थी स्कूल जाते वक्त 5 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। इससे अच्छी पढ़ाई हो सकेगी।
और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका धन बढ़ेगा, विचार आपके शुद्ध होंगे और पढ़ाई अच्छी कर सकेंगे आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और क्रिस्टल की माला के साथ में यदि यह जाप करते हैं तो लाभ जरूर होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। व्यापारिक संस्थान को खोलते वक्त 3 बार ओम जरूर बोलें। ऐश्वर्य और व्यापार बढ़ेगा, क्रोध शांत होगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। मूंगे की माला के साथ में यदि यह जाप करते हैं तो लाभ जरूर होगा। ओम का उच्चारण अंगूठे के प्रयोग से करना है, इससे लाभ होगा। ओम लंबे स्वर में कहें तो जितना लंबा स्वर आप ले सकेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। बात करेंगे धनुराशि की। तो रास्ते में मंदिर गुरुद्वारा मिले तो 6 बार ओम जरूर बोलें आप। धन की प्राप्ति होगी और घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी। ओम का उच्चारण करें पुत्र जीवा की माला के साथ में। इन उंगलियों के ऊपर अंगूठा रखकर आप ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण लंबे स्वर में जरूर करें। और अब बात करेंगे मकर राशि की। व्यापारिक संस्थान को खोलते वक्त 3 बार ओम जरूर बोलें आप। ऐश्वर्य और व्यापार आपका बढ़ेगा, विलंब दूर होगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें आप। और यदि एमेथिस्ट की माला के साथ में यह जाप करते हैं तो लाभ जरूर होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को याद जरूर करें। बात करेंगे कुंभ राशि। ऑफिस में कार्य शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण जरूर करें। ऑफिस में कार्य सुचारू रूप से होगा और ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला के साथ में जरूर करें। अंगूठा तर्जनी उंगली के साथ रखें और ओम का उच्चारण करें। ओम का स्वर शिवाय से छोटा रखें। बात करेंगे मीन राशि। यात्रा शुरू करते वक्त 2 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। विदेश यात्रा आपकी सफल होगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें आप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र का जाप आप कमल गट्टे की माला के साथ में करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अंगूठा आकाश की तरफ रखें और ओम का स्वर बहुत ही छोटा रखें। खास उपाय जो कि सभी के लिए है, यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम तो चिंता की कोई बात नहीं, यह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। तो गंगा जल से स्नान करने के पश्चात पार्वती शिवलिंग के सामने ओम का उच्चारण करें, ऐसा करके लाभ जरूर होगा और आपकी पूजा सफल होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।